सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में भारी हंगामा। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष का जोरदार विरोध। स्मृति ईरानी ने रखा सरकार का पक्ष। गृहमंत्री अमित शाह भी सदन में रखेंगे बात। बीजेपी के महिला सांसदों का राहुल गांधी पर संसद में अभद्र व्यवहार का आरोप। स्पीकर से की शिकायत। स्मृति ईरानी ने बताया महिलाओं का अपमान। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के 81 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के खिलाफ खोला मोर्चा। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने जुटे बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। परिवारवाद, भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टिकरण भारत छोड़ो। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज से राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हुए शामिल। देश के कोने कोने से दिल्ली लाई जाएगी मिट्टी से बनेगी अमृत वाटिका। ज्ञानवापी में सर्वे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष फिर पहुंचा कोर्ट। जिला कोर्ट में नई याचिका दायर कर लगाई सर्वे पर रोक की मांग। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का आज छठा दिन। चंद्रयान 3 के मिशन मून ने पार किया एक और अहम पड़ाव। दूसरी बार चंद्रयान 3 ने घटाई अपनी कक्षा। 23 अगस्त को लैंडिंग से पहले 4 बार घटेगी चंद्रयान की कक्षा। लगातार भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई इलाकों में बढ़ी मुसीबत। हल्द्वानी में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के रामबन में चट्टान गिरने से रास्ता बंद। तोशाखाना मामले में इमरान खान की सजा पर तत्काल रोक लगाने से इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इंकार। कोर्ट ने जारी किया नोटिस। चुनाव आयोग ने 5 साल तक इमरान के चुनाव लड़ने पर लगाई रोक। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। देखिए मार्केट खुली हुई है, जो लोग हैं वो अपना राशन यहाँ पर ले रहे हैं।